गोवा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 70 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत को लेकर प्रमोद सावंत की सरकार जो है वो विपक्ष के सवालों के घेरे में है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी है। सर, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, पिछले कुछ दिनों से गोवा इसलिए चर्चा में है कि सरकारी मेडिकल अस्पताल में जो है वो कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ऑक्सीजन की कोई कमी थी? पहले मैं एक बात बताऊंगा कि ऑक्सीजन की तो कुछ कमी नहीं थी। मैं धन्यवाद कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, माननीय मोदी जी को, क्योंकि जिन्होंने जब जब हमने ऑक्सीजन की मांग की है तब तब हमें ऑक्सीजन मिला है। पहले हमारा 21 मेट्रिक टन था, बाद में हमारा अभी 26 मेट्रिक टन हुआ और एट प्रेजेंट तो हमें 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। हमें सिर्फ इतना ही है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में जो डेथ होते हैं, जो पूरे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट होने के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अदरवाइज़ जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये पेशेंट्स कभी कभी यानी लेट स्टेज पे आते हैं। आपको तो मालूम है कोविड की डेथ पूरे देश भर में हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो गोवा में ही हो रहे हैं। तो फिर हर एक डेथ हम ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के उतने बड़े इश्यूज नहीं थे। विपक्ष कह रहा है कि जो मौतें हुई अस्पताल में, खासतौर से सरकारी अस्पताल में, ऑक्सीजन की कमी के वजह से, आप उस पर आपका सीधा जवाब क्या है? मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसके बारे में हमारे डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसका क्लियर क्लेरिफिकेशन दे दिया है। विपक्ष को बाहर इस पैंडमिक के स्थिति पर भी वो राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति पर एक साथ में आके हमें इस पैंडमिक के ऊपर लड़ना चाहिए। शुक्रिया समय निकालने के और हमसे बात करने के। तो कुल मिलाकर गोवा के सरकारी अस्पताल में जिस तरह की मौत को लेकर विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नकारा है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।